ओके, गुड मॉर्निंग। तो कल मैं इधर हॉस्टल आ गया था और कल फिर मैं इतना बिजी हो गया कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला प्रॉपर्टी दिखाने का। तो अभी मैं प्रॉपर्टी का बेस्ट पार्ट दिखाता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग है। इज दिस रूम कॉमन एरिया है, यहाँ कोई भी बैठ के काम कर सकता है अपना। सैनिटाइजेशन वगैरह का प्रॉपर ध्यान रखा गया, विच इज गुड। एंड जस्ट लुक एट दिस रूम, या सो वी हैव डेस्क्स हियर एंड द आउटसाइड व्यू। This is like a small wooden thing, wooden stairs to go up, so it's like you can go, you can sit here, enjoy the outside view and chair. Yeah, it's fun, it's pretty fun. और सबसे बेस्ट बात है जो लोग आए हुए हैं इस टाइम पे करेंटली, बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत बढ़िया। कल मतलब सारा दिन मतलब कहाँ निकला मैं, यहाँ अराउंड 4 बजे के आसपास आया था और पूरा दिन कैसे निकला है वो पता ही नहीं चला। इट वॉज फन। बाकी और देखो प्रॉपर्टी, ये सामने का ये सेट वर्क एंड द स्टार्स आल्सो एट नाइट इफ यू आर वर्किंग। बालकनी से व्यू बहुत प्यारा है यार, और पानी के बहने की आवाज़ आ रही है और वहाँ नीचे वाटर स्ट्रीम है जहाँ पे जा सकते हैं। बाकी सही है, करना प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग है, कोई आना चाहे तो आ सकता है। इट्स हॉस्टल मसूरी। बेस्ट पार्ट अबाउट हॉस्टल इज ये लोग अपनी खुद की एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो आज हम जाने वाले हैं जॉर्ज एवरेस्ट। ये है हमारा कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया की एंट्री है। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, और यार ये इतना प्यारा बना रखा है ना, व्यू देखो आप इसका। यहाँ पे सब लोग बैठ के चिल करते हैं, एक सिटिंग उधर बनी हुई है। ये है यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। कल यहाँ पे क्विज हुआ था, टीम्स बनाई थी, क्विज करा था, मतलब बहुत फन एक्टिविटीज़ होती है यार यहाँ पर। गुड वाइब्स ओनली, लोग यहाँ बैठते हैं अपना काम वाम करते हैं, जैसे कि लैपटॉप दिख रहा है। ये यहाँ बैठ के चिल कर सकते हो और फन किया जा सकता है। प्रॉपर्टी यार बहुत अच्छी बना रखी है, आई लव दिस प्रॉपर्टी। कॉन्सेप्ट ही बढ़िया है हॉस्टल की, हर एक प्रॉपर्टी बढ़िया है, बट मेन है कि बंदे कैसे, और करंटली बंदे इतने प्यारे आए हुए हैं ना कि मैंने अपना स्टे एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पे, ताकि मेरे को और टाइम मिले लोगों के साथ चिल करने का, सोशलाइज करने का, फन करने का। ये टीटी टेबल, कल हमने यहाँ पे टीटी खेला था रात को। कल रात को मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि फर्स्ट डे था, लोगों के साथ जेलअप कर रहा था, चिल कर रहा था। ये देखो ये बोर्ड गेम्स रखे हुए हैं, अगर किसी ने खेलना हो तो ये बोर्ड गेम्स। और ये प्रॉपर इन्होंने वुडन फर्नीचर एंड ऑल, इट्स अ फन प्लेस। और ये यहाँ पे इन्होंने मैप लगा रखा है, और ये फन है यार, ये प्रॉपर्टी बहुत फन है, कभी आओ तो एक्सपीरियंस करो। बेस्ट पार्ट इज यहाँ पे किसी को वर्क फ्रॉम होम करना है वो भी कर सकता है, नेट की स्पीड बहुत अच्छी है, लाइक 50 to 70 Mbps वाईफाई कनेक्शन मिल रहा है आपको, और क्या चाहिए। देखो ओवरऑल बढ़िया एटमॉस्फेयर है यार, ये देखो प्रॉपर मज़ेदार है, आ सकते हो। और वाटर स्ट्रीम दिखाता हूँ आप लोगों को पास से, वाटर स्ट्रीम बहुत प्यारी दिखती है यार, वेरी टाइम शो यू गाइस। इस साइड अगर हम जाते हैं तो अगर ये दिख पा रहा है तो इधर ये वाटर स्ट्रीम है, अभी नीचे जाके मैं प्रॉपर दिखाता हूँ वाटर स्ट्रीम आप लोगों को। ये देखो यार, यहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट किया जा सकता है, माउंटेन व्यू, क्लियर स्काई, और वेदर भी बहुत सनी है आज। और ये देखो वाटर स्ट्रीम जाने का रास्ता यहाँ से है। आई डोंट नो मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं, क्योंकि
पानी का बहुत ज़्यादा साउंड है। तो ये है रास्ता वाटर स्ट्रीम के पास जाने का। ऊपर पूरी प्रॉपर्टी है और ये स्टेयर्स हैं वाटर स्ट्रीम जाने के लिए। पानी की आवाज़ सुनना, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग सिर्फ पानी की आवाज़ सुनो। बहुत बढ़िया है यार, फन है। अभी तो विंटर टाइम है, अदरवाइज़ अगर थोड़ा बढ़िया प्लेजेंट वेदर है तो आप लोग यहाँ पे बैठ के अपनी चाय कॉफ़ी या कुछ एंजॉय कर सकते हो, मज़ा आ जाएगा। बाकी यार प्रॉपर्टी बहुत अमेजिंग है, इट्स फन। बाकी आज शाम को जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे तो देखते हैं जॉर्ज एवरेस्ट पे क्या सीन रहता है। होपफुली वहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूँ, पता नहीं करूँगा नहीं करूँगा, जैसा भी होगा देखते हैं। बट इट्स फन, आई एम हेयर फॉर 2 more days। एक दिन ऑलरेडी हो गया है और 2 दिन और है, तो देखते हैं यार, मज़े करते हैं। मिलते हैं आपको सीधा ट्रैक पे। और अभी एक, हाँ ट्रैक पे नहीं, अभी एक और मस्त सीन बताता हूँ आपको, ऊपर चलते हैं। यहाँ पे ना एक ट्री हाउस है, तो करंटली उसमें कोई रह रहा है, बट उनसे काफ़ी अच्छी बातचीत है, अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने उनसे पूछ लिया था, परमिशन ले ली थी कि मैं आपकी प्रॉपर्टी का टूर करा सकता हूँ कि नहीं, मतलब आपके जो रूम है उसका टूर ले सकता हूँ कि नहीं। तो देवर ओके, देवर लाइक या यू कैन डू। तो अभी मैं आपको ट्री हाउस दिखाऊँगा। तो ट्री हाउस इज़ लाइक यार, मतलब बहुत 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 ही बढ़िया और यूनिक कॉन्सेप्ट है। तो ट्री हाउस दिखाता हूँ आप लोगों को, ट्री हाउस की तरफ मिलते हैं। तो ये हॉबिट हाउस तो मैंने दिखा दिया था पहले भी, बाकी ट्री हाउस दिखाता हूँ यार। सबसे बेस्ट पार्ट ट्री हाउस है इस प्रॉपर्टी का जो मुझे लगा, मैं डेफिनेटली दोबारा आ रहा हूँ यहाँ पे ट्री हाउस में रुकने के लिए। ये ट्री हाउस की एंट्री है, ये इसके ऊपर बना रखा पूरा ट्री के ऊपर है, ये एंट्री है। ये बालकनी है ट्री हाउस की, वॉशरूम ये कॉम्पैक्ट है, ये देखो यार कितना प्यारा है, बहुत कॉम्पैक्ट है। यहाँ पे छोटा सा वॉशरूम है कॉम्पैक्ट सा, ये बढ़िया बाहर का व्यू ले सकते हो। ये सोफ़ा है बट इसको आप एक्सटेंड करके बेड बना सकते हो। ये देखो यार, ये बेस्ट पार्ट है, लॉक देखो आप, ये डोर को स्लाइड करेंगे और ये हम आ गए अपनी प्राइवेट छोटी सी बालकनी में। ये ट्री हाउस की बालकनी है, ये सिटिंग एरिया है, यहाँ पे बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं। प्रॉपर पेड़ के ऊपर बना हुआ है ये, एंड आई लव दिस सो मच। एक रूम ये है और एक सिटिंग एरिया है, इसी के ऊपर बना हुआ है, तो मतलब जो भी मतलब ट्री हाउस ले रहा है तो उसको वो दोनों रूम्स मिलते हैं। कॉम्पैक्ट है बट इट्स लाइक कि एक या दो दिन रुक के इसमें फन करा जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और ऊपर वाला एरिया दिखाता हूँ आपको और अपने जो दोस्त हैं उनसे मिलवाता हूँ। वेट अ सेकंड, हे ब्रो, हाय, ही इज श्रीनिवास फ्रॉम मुंबई एंड करिश्मा आल्सो फ्रॉम मुंबई, और आप दोनों कपल हो, राइट? हाँ। कैसा एक्सपीरियंस है हॉस्टल का अभी तक? तो अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा लगा कंपेयर टू, एटलीस्ट आई हैव बीन टू जस्ट 2 hostels, ओके, बट दिस हैज बीन द बेस्ट। बेस्ट पार्ट अबाउट द हॉस्टल, दिस प्रॉपर्टी, बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्रॉपर्टी, Except the vibe.
क्या रिकमेंड करोगे फूड वहाँ पे बेस्ट अगर कुछ ट्राई करे कोई तो? मसाला चीज़ ऑमलेट, ओके, वेज रैप, ओके, एंड पिज़्ज़ा आई ट्राई एन आई लेट। और इफ़ यू विल गेट अ चांस टू कम हियर अगेन विजिट अगेन देन यू विल बी? या फॉर श्योर आई विल कम, या मे बी आई विल गेट माय लैपटॉप नेक्स्ट टाइम व्हेन आई कम। एंड यू विल इन्फॉर्म मी आल्सो ना? या दैट यू आर कमिंग सो दैट आई कैन आल्सो कम। यस, ये बेस्ट पार्ट है यार हॉस्टल का, रैंडम लोगों से मिलो, बात करो, चिल करो। तो मिलते हैं फिर आपको ट्रैक पे, मिलते हैं जॉर्ज एवरेस्ट के।